नमस्कार दोस्तों, 206वीं शताब्दी यानी कि आज से करीबन 1500 साल पहले तब नेपाल टेक्नोलॉजी में इतना आगे था कि जो चीज दुनिया में कहीं नहीं थी वो उस समय नेपाल के काठमांडू में हुआ करती थी और वो भी नेपालियों द्वारा बनाई गई थी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अपने आप में बेमिसाल थी, गजब थी, जिसे देखकर आपके भी मुंह से निकलता OMG नेपाल। और इसीलिए ये जगह बनाती हमारी आज की OMG नेपाल की प्लेलिस्ट में। इस टेक्नोलॉजी में 6वीं शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी में जिस तरह से एनिमल्स यानी कि जानवरों का इस्तेमाल होता था वो अपने आप में गजब है, यानी कि आप उसको सुन के शॉक हो जाएंगे, जो कि शायद ही आपको पता होगी, क्योंकि जब ये मुझे पता चला तो मेरे मुंह से निकला OMG। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी 1500 सालों से आज भी काम कर रही है, जो कि अपने आप में इसको बहुत ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि दुनिया में कोई और टेक्नोलॉजी अभी तक इतना सालों तक नहीं चलती। एक तरफ नेपाल के कुछ पॉलिटिशियंस का मानना है कि नेपाल में पहाड़ और पर्वतों के अलावा कुछ है ही नहीं जिसे वो डेवलपमेंट कर पाए, लेकिन उनको शायद थोड़ा पढ़ने और जानने की जरूरत है कि आज से सदियों पहले नेपालियों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी वो आज भी काम कर रही है और ढंग से काम कर रही है, जो कि हम सबको आज भी बहुत कुछ सिखाती है। नेपाल 6th सेंचुरी में इतना आगे हुआ करता था कि जो चीज दुनिया में उस समय कहीं नहीं थी वो नेपाल में थी। आज जरूरत है तो उस ताकत को पहचानने की और उस पर काम करने की। तो इसीलिए इस वीडियो को हर एक नेपाली तक शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो, ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंच पाए और उन पॉलिटिशियन तक भी पहुंच पाए कि नेपाल हिस्ट्री से आगे रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस नेपाली टेक्नोलॉजी को कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, किन चीजों से बनाया गया, किन लोगों ने इसको बनवाया, साथ ही इसके पीछे की पूरी साइंस की ये काम कैसे करती है, और साथ ही जानेंगे इसके कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से 80% लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और ओरिजिनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। साथ ही मुझसे और ज्यादा जुड़ने के लिए आई एम शिवम, जो कि मेरा व्लॉग गेमिंग एंटरटेनमेंट के चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो जाके, लिंक नीचे सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज से करीबन 1500 साल पहले यानी कि 6वीं शताब्दी के दौरान बड़ी बड़ी सभ्यताएं यानी कि सिविलाइजेशन खत्म हो गई पानी की कमी को लेकर। तब नेपाल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कि नेपाल के काठमांडू में, जिसे कहते हैं हीटी वाटर सिस्टम। और आज दुनिया में ये एक मात्र ऐसा सिस्टम है जो कि इतना पुराना है उसके बावजूद भी काम कर रहा है। और उस समय की ये उत्तम टेक्नोलॉजी थी जो कि कहीं और हुआ नहीं करती थी, और ये टेक्नोलॉजी देती थी हर एक नेपाली को काठमांडू में एक साफ पीने का पानी, वो भी 24 घंटे साल के सभी दिनों में, वो भी बिना किसी रुकावट के उनके पास तक, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी 6th सेंचुरी में। और इसको तब नेपालियों ने ही मिलकर बनाया था। और अगर आपको इस सिस्टम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना OMG नेपाल हीटी वाटर सिस्टम। दोस्तों, इस सिस्टम ने तब से नेपाल के काठमांडू के लोगों की जरूरतें पूरी की, क्योंकि ये हजारों सालों से यूं ही लगातार पानी देता रहा। आज पानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए डीजल, बिजली, पेट्रोल जैसी चीजें लगती हैं, और ये चीजें और मशीनरी करीबन 6 महीनों में खराब भी हो जाती हैं, इन्हें ठीक कराना पड़ता है, साथ ही साथ इनके कई और नुकसान भी हैं। लेकिन नेपाल का ये सिस्टम हजारों सालों से यूं ही पानी फेंक रहा है, और वो भी बिना किसी लागत के, एक जादू की तरह बिना रुके। तो चलिए जानते हैं कि इस हीटी वाटर सिस्टम को कैसे बनाया गया था और इसके पीछे की साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है, वो भी सरल भाषा में। दोस्तों, इसके पीछे की साइंस है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, और साथ ही साथ खुद नेपाल के काठमांडू घाटी की बनावट, क्योंकि नेपाल का काठमांडू चारों तरफ से लगभग पहाड़ों से घिरा है। इन पहाड़ों की वजह से एक नेचुरल फ्लो यानी कि बहाव मिलता है जो कि इस टेक्नोलॉजी को मदद करता है। अब इस हीटी वाटर सिस्टम में कई किलोमीटर लंबी चैनल यानी कि नाली वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये करीबन 1500 साल पहले जमीन को गहराई से खोदकर उसके नीचे बनाया गया था, और इसको बनाया था कई स्किल्ड कामगारियों ने जो कि नेपाल के ही थे। इसको बनाया गया था मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर से, जिसको जोड़ जोड़ कर एक इंटरनल टनल या फिर एक नाली कह सकते हैं बनी थी, जिसके अंदर से पानी निकल कर बहता था। और इसके काम करने का तरीका उस समय की एक साइंटिफिक सोच को दिखाता है नेपाल की। तो इस चैनल यानी कि इस नाली को जमीन के अंदर अंदर शहर से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक लेकर जाया जाता था, और उन पहाड़ों पर बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो ये पेड़ पौधे अपने जड़ों के जरिए पानी जमीन के अंदर तक ले जाते हैं, और साथ ही साथ ये आसपास के पहाड़ एक स्पॉन्ज की तरह काम करते थे जो कि पानी को सोख लेते हैं, जो कि एक नेचुरल तरीका है पानी का जमीन में नीचे जाने का, जिसके बाद ये पानी कहीं ना कहीं जमीन में इकट्ठा होता रहता है। साथ ही साथ आसपास के गड्ढे, तालाब और कई और जगह ये पानी बारिशों का भर जाता है, वो धीरे धीरे जमीन में सोखता रहता है, और आसपास ये हीटी वाटर सिस्टम के चैनल होते हैं। तो पानी जमीन से धीरे धीरे रिस कर इन चैनल्स के पास तक
पहुंचता है और जहां पर ये चैनल स्टार्ट होते हैं यानी कि शुरुआत होती है वहां पर लगे होते हैं कुछ फिल्टर्स जो कि उस समय कुछ चीजों से मिलकर बनाए जाते थे जिससे पानी एक तरह से छनकर इन चैनल्स यानी कि इन नालियों तक आता था और फिर ये पानी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जहां पर शहरों में ये स्ट्रक्चर खुला होता था नीचे वहां पानी बहता था और लोग उस पानी को इस्तेमाल करते थे जो किसी नदी या किसी और सोर्स से नहीं आ रहा था। ये एक नेचुरल तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से शहर तक लाया जा रहा था वो भी 6वीं शताब्दी में जो कि अपने आप में जबरदस्त था क्योंकि इस पानी को शहरों तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी जो कि इसको बेहद खास बनाता था। तो क्या कारण रहा है कि ये हिटी वाटर सिस्टम इतना पुराना होने के बावजूद नेपाल में आज भी काम करता है? दोस्तों कई सेंचुरी से ये हिटी वाटर सिस्टम काम कर रहे हैं क्योंकि इनकी बनावट ही कुछ खास है। इस सिस्टम को काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था आज से हजारों साल पहले और इसकी सफाई साथ साथ का नेचुरल तरीका भी साफ रखने का बहुत शॉकिंग था और यही एक प्रमुख कारण है कि ये हिटी वाटर सिस्टम कई सदियों से काम कर रहे हैं नेपाल में। और सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीज है कि उस समय से इस हिटी वाटर सिस्टम को नेपाल में कैसे क्लीन किया जाता था जो कि अपने आप में चैलेंज था, यानी कि इसको कैसे साफ किया जाता था। इन चैनल्स में आमतौर पर आदमी जाकर इसको साफ नहीं कर सकता तो इसके लिए इस्तेमाल होते थे कई सारे जानवर। जी हाँ, फ्रॉग यानी कि मेढक इसकी सफाई में काम करते थे और सांपों को भी इन चैनल्स में ऊपर डाला जाता था। फिर ये सांप रेंगते हुए नालियों के जरिए टनल से नीचे आते थे और जिसके जरिए ये सभी रुकावटों को हटाते हुए नीचे आते थे जिसके बाद ये वाटर सिस्टम फिर से एक बार क्लीन हो जाता था। और दोस्तों इसका एक नेचुरल कारण भी माना जाता था कि ये जल्दी खराब नहीं होते थे क्योंकि मेंढक को सांप खाते थे और इन सांपों को मंगूज यानी कि नेवले और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं हीटी वाटर सिस्टम के पानी के मूवमेंट को बनाए रखने में मदद करता था और इसीलिए सिस्टम आज तक रुके नहीं। और दोस्तों क्या कारण है कि हीटी वाटर सिस्टम आज खत्म हो रहा है नेपाल में, साथ ही साथ इसको बचाने के लिए सरकारी तौर पर और लोग क्या काम कर रहे हैं? और आज ये रुक रहे हैं तो इसकी वजह भी सिर्फ हम हैं क्योंकि जैसे जैसे काठमांडू का शहरीकरण तेजी से होता जा रहा है वैसे ही इन पुरानी विरासतों पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं। नेपाल के खुले स्थानों पर तेजी से अतिक्रमण हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं जिसकी वजह से बरसातों में पानी पहाड़ों पर और इन पेड़ों के जरिए ज्यादा जमा नहीं हो पाता जिसके चलते नीचे इन हिटी से भी ज्यादा पानी नहीं आता। साथ ही साथ कई गहरे कंस्ट्रक्शन के चलते भी इनको नुकसान पहुंचता है जैसे कि अंडरलाइन पाइपलाइन स्ट्रक्चर से भी इनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन इन पुरानी विरासतों को बचाकर। आपको बता दें कि नेपाल की सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं दिखी लेकिन सरकार अपनी तरीके से कई चीज करती नजर आई है इन स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। साथ साथ सुप्रिया श्रेष्ठ जो कि इस समय मिस नेपाल अर्थ हैं, वो भी सरकार के साथ मिलकर एक पुराने हिटी को जो कि धोबी चौरा में है काठमांडू में उसको फिर से स्टार्ट करने पर काम कर रही हैं। तो इसके लिए इनको सैल्यूट कि ये इन पुराने सिस्टम को फिर से रिवाइव कर रही हैं जो कि बंद हो चुके हैं क्योंकि ये नेपाल की एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, साथ साथ एक बहुत बड़ी विरासत भी है। लेकिन आज की बात करें तो सरकारें काठमांडू शहर के पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से पूरी नहीं कर पा रही लेकिन ये हिटी वाटर सिस्टम अगर जगह जगह पर फिर से रिवाइव हो गए जो कि बंद हो चुके हैं कि वो आज भी इतना पानी ला सकते थे कि शहर की पानी की कमी दूर हो सकती है। तो कुछ ऐसे रास्ते निकालने की जरूरत है कि इन हिटी वाटर सिस्टम को आज की टेक्नोलॉजी से जोड़कर नेपाल के पानी की क्यों ना आपूर्ति की जाए। तो नेपाल के इस हिटी वाटर सिस्टम को कहीं ना कहीं रिलीजन से भी जोड़ा गया था और उससे भी ये कनेक्टेड था। दोस्तों उस समय में कई खूबसूरत अलग अलग भगवानों की चित्रकारी इन हिटी के आसपास की गई थी जो कि इनको एक वैल्यू देता था रिलीजियस एस्पेक्ट्स पर भी क्योंकि जहां पर भगवान बने होते हैं उसको हम पूजते ही हैं और इसीलिए इन हिटी वाटर सिस्टम को कहीं ना कहीं एक पवित्र स्थान के तौर पर भी देखा जाता रहा है। तो यही एक कारण है इनके रिलीजियस सिग्निफिकेंस का। तो कैसी लगी आपको ये 1500 साल पुरानी नेपाल की टेक्नोलॉजी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज और तमाम नेपालियों तक भेज जरूर देना ताकि हर किसी को पता चल सके कि नेपाल टेक्नोलॉजीज में कितना आगे हुआ करता था 6 सेंचुरीज में यानी कि आज से करीबन 1500 साल पहले। तो प्लीज वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लो ताकि लेटेस्ट और ओरिजिनल वीडियोस ऐसे ही आपको मिलते रहे। धन्यवाद NI News।